वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल क्यूरियस कौशिक में। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीक आपका बहुत अच्छा गया है और वीकेंड भी आपका अच्छा ही जाएगा, यही उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में जो जानकर शायद आपको ये यकीन हो जाएगा कि जी नहीं, वो इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है। और अगर आप ऑलरेडी इन पर यकीन करते हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये पाँच फैक्ट जान के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट जी, आप एंजो फेरारी के नाम जानते हो? जी, ये फाउंडर है फेरारी का और इनका डेथ हो गया था 1988 को 14 अगस्त। तब उनका उम्र था 90 साल और उसका बस दो ही महीने बाद 15 अक्टूबर 1988 को जन्म हुआ फेमस फुटबॉलर, जर्मन फुटबॉलर ओजिल का, मेसुत ओजिल। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, आप ये गौर कर लो, आप इन दोनों की तस्वीर को देखो। क्या आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है? लग नहीं रहा कि ये ओजिल बस फेरारी का पुनर्जन्म ही है? अगर आपको लगता है कि ओजिल और फेरारी बस सिमिलर दिखते हैं और कुछ नहीं, तो फिर अगला जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ इसे ज़रा गौर फरमाइए, तो आपको ज़रूर यकीन होगा कि कोइंसिडेंस होता है। बात है 1898 की, जो एक फेमस लेखक के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका उस समय एक किताब पब्लिश हुआ था, नाम था फुडलिटी और उस लेखक का नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। जी, मॉर्गन रॉबर्टसन का बहुत सारी किताबें हैं मगर फुडलिटी इतना फेमस क्यों हुआ आगे चल के आपको ज़रूर पता चल जाएगा। पता है, इस किताब में एक जहाज़ की कहानी बताई गई जो सभी सोचते कि ये कभी डूब नहीं सकता, जिसके कारण इसमें पर्याप्त परिमाण लाइफ बोट की सुविधा भी नहीं था और ये बहुत ही मॉडर्न था, एकदम जैसे कि एक शहर पानी के ऊपर तैरता हुआ जा रहा हो। पर कुछ समय बाद ये जहाज कहानी में कुछ समय बाद नॉर्थ अटलांटिक में एक बर्फ़ से टकरा जाती है और इसमें हज़ारों लोगों की, 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जाने चला जाता है। अब तक आपको शायद ये समझ में आ गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी, फुडलिटी किताब में वर्णन किया गया इस जहाज़ का नाम रखा गया था टाइटन। और आगे चल के 15 अप्रैल 1912 में एक घटना घटी और टाइटैनिक के बारे में हम सब जानते हैं और उसका भी हादसा हुआ था नॉर्थ अटलांटिक में बड़ा से टकराने के कारण ही। और ये भी माना जाता था कि वो कभी डूब नहीं सकता मगर वो भी डूब गया और उसमें भी पर्याप्त परिमाण लाइफ बोट की सुविधा नहीं रखा गया था, जिसके कारण हज़ारों लोगों की, 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो क्या लगता है आपको, ये कोइंसिडेंस था या फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन? तो पता है, जब ये घटना घटी उसके बाद उस किताब का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया द सिंकिंग ऑफ टाइटन। तो कैसा लगा जान के? अब शायद आपको यकीन हो गया होगा कि जी नहीं, कोइंसिडेंस तो होता है, एक कहानी के साथ एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दोनों एक ही जैसा। जी, अगर आप ये अभी तक सोच रहे हो कि जी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, तो फिर एक और घटना आपको बताता हूँ। सिम्पसन के एपिसोड आपने से बहुत से लोग ज़रूर देखे होंगे, 2000 में सीजन 11 में एपिसोड नंबर 17, यहाँ पर दिखाया गया था कि एक सरफिरा इंसान जो US का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो किस तरह से चुनाव अभियान चलाता है और किस तरह से प्रेसिडेंट होने के बाद वो अपना जो भाषण है वो रखता है, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया था। और पता है 2016 में, मतलब उसके 16 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और उसके बाद जो जो सिमिलैरिटी आपको दिखेगा, आप देखिए ज़रा दोनों वीडियोज़ को, दोनों फ़ोटोज़ को, ये सब देखिए, मैं दोनों तरफ जो दिखा रहा हूँ आपको। क्या लगता है आपको कि ये प्रेडिक्शन नहीं था या फिर कोइंसिडेंस नहीं था? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप कोइंसिडेंस पे बिलीव करना शुरू कर दिए होंगे। नहीं करा है तो फिर अभी भी दो फैक्ट्स बाकी हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है 1975 की बारमूडा आइलैंड की। वहाँ पर एक 17 साल का लड़का आर्टस्किन लॉरेंस साइकिलिंग करते हुए साइकिल पर सवार एक जगह से जा रहा था और उस जगह पर अचानक एक टैक्सी आकर उसे टक्कर मार देती है और उसका स्पॉट डेड हो जाता है। अब उसके 2 साल बाद की कहानी, सेम स्पेस, सेम प्लेस, सेम स्पॉट, उसका छोटा भाई जो तब 17 साल की उम्र का हुआ था और वो उस जगह से साइकिलिंग करते हुए जा रहा था और तब भी एक टैक्सी आकर वहाँ पर टक्कर मार देती है और उसका भी स्पॉट डेड हो जाता है, वो भी।
दो कोइंसिडेंस नहीं था और क्या है, एक ही जगह पर दोनों भाई की मौत 17 साल की उम्र में साइकिल चलवाते वक्त टैक्सी के कारण, टैक्सी से टक्कर लगने के कारण। अगर अभी भी आपको नहीं यकीन है कि ये कोइंसिडेंस है तो फिर दो और बात पे बताना चाहूँगा। जी, दोनों ही वक्त सेम टैक्सी था, सेम टैक्सी ड्राइवर था और दोनों ही टाइम जो पैसेंजर था वो भी सेम ही था। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है? अब आखिरी वाला कोइंसिडेंस का फैक्ट। जी, बात मैं बताने वाला हूँ दो US के नाम दाम हस्ती के बारे में, जो जॉन केनेडी और अब्राहम लिंकन, दो US प्रेसिडेंट, और दोनों की ही मौत हो गई थी गोली लगने के कारण, दोनों की हत्या किया गया था। कोइंसिडेंस, दोनों जिस वक्त हत्या हुआ था दोनों ही अपनी पत्नियों के साथ था। कोइंसिडेंस, दोनों को गोली मार के हत्या किया गया था। कोइंसिडेंस, दोनों को गोली एक ही जगह पर मारा गया था। कोइंसिडेंस, दोनों का ही कॉमन फ्रेंड था, कॉमन नहीं सॉरी दोनों का ही बेस्ट फ्रेंड में सर्कल में एक फ्रेंड था जिसका नाम था बिली ग्राहम। कोइंसिडेंस, दोनों के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था उनका नाम था जॉनसन। कोइंसिडेंस, और जॉन केनेडी का जो सेक्रेटरी था उसका नाम था लिंकन, और अब्राहम लिंकन का जो सेक्रेटरी था उसका नाम था जॉन। क्या कोइंसिडेंस का पहाड़ बनाएंगे क्या? तो उम्मीद करता हूँ कि पांचों के पांच कोइंसिडेंस वाला फैक्ट आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें भी तो हक है ना कि वीडियो देखे और मेरा भी रीच बढ़े। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ। हाँ, कोइंसिडेंस से नहीं, बस मर्जी से दबा दीजिएगा सब्सक्राइब वाला बटन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।